वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। गौनाहा जमुनिया से धनेश्वर कुमार की रिपोर्ट। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सहोदरा स्थित राम जानकी मंदिर धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। सबसे पहले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के फोटो पर पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी मंडल के अध्यक्ष रामस्नेही चौरसिया ने किया। वही संचालन प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री निरंजन पंजियार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष पंकज झुनझुनवाला ने बूथ कमेटी को बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से रूबरू होने व एनडीए सरकार के कार्यकाल को बताने व समझाने की जरूरत है। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए विधायक भागृदी देवी ने कहा कि उनके कार्यकाल में हुए कार्यों से मतदाताओं को अवगत कराएं व फिर से एनडीए का सरकार बनाने के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने कार्य के प्रति सचेत और लग्नशील होना पड़ेगा। बैठक में जिला महामंत्री सुरेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बीरेंद्र तिवारी, जिला मंत्री सह प्रभारी पूर्वी मंडल रामनाथ राय, जिला संयोजक आनंद कुमार सिंह, पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर चौहान सहित प्रखंड अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित आदि उपस्थित थे।